नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम आलू। आइए देखते हैं दम आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। टमाटर प्यूरी, दो बड़े टमाटर ले लें, इस तरीके से उसकी प्यूरी बना लें, और अदरक लहसुन का पेस्ट और तीन चार काजू। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते समय इसमें आप चार पाँच काजू डाल दें, उसका भी पेस्ट साथ ही बना लें इस तरीके से। एक कटोरा दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, बड़ी इलायची और दालचीनी और तीन चार लौंग ले लें, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा, बारीक कटा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, तेल और दो बड़े प्याज इस तरीके से बारीक काट लें, और आठ दस आलू ले लें। आलू बिल्कुल छोटे लें, इस तरीके से छोटे छोटे आलू ले लें और इनको उबाल लें, उबाल कर छील लें, बहुत ज़्यादा ना उबालें इनको। आलू ले लें आप इस तरह से, आलू को इससे कांटे से गोद लें, ऐसे ऐसे सारे आलूओं को इस तरीके से, सबको इसी तरीके से गोद लें। आलू को बहुत ज़्यादा ना उबालें, नहीं तो टूट जाएंगे। इस तरीके से इनको गोद लें। इस तरीके से सारे आलू को गोद लें आप। अब हम इसमें हल्का नमक मिलाएंगे, और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इस तरीके से इनमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लें ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। अभी मसाला हमारा आलू में मिक्स हो चुका है इस तरीके से। अब इसको आप 5 मिनट ऐसे ही रख दें ताकि मसाला अच्छे से और इसमें मिक्स हो जाए। आइए अब दम आलू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लें, इसमें कढ़ाई रख लें इस तरीके से, कढ़ाई को गर्म होने दें। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दें, और तेल को भी अच्छी तरीके से गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे ऐसे। और इनको हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस तरीके से आलूओं को ब्राउन होने दें। एक बात का ध्यान रखें, जब आलूओं को आप इस तरीके से बनाएं तो इसमें गैस को आप कम रखें, बहुत तेज़ ना रखें। अगर आप तेज़ गैस रखेंगे तो आपका ये मसाला इसमें जलने लगेगा, इसलिए आप गैस को थोड़ा कम आंच पर रखें। इस तरीके से इनको इतना ब्राउन होने तक पका लें। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप सारे आलू एक प्लेट में निकाल लें ऐसे। इस कढ़ाई में से हमने आलू निकाल लिए, अब उसी कढ़ाई में आप थोड़ा जीरा डालें, एक छोटा चम्मच जीरा डाल दें और उसको भूनने दें थोड़ा।
जीरा भुन जाए उसमें एक बड़ी इलायची, दालचीनी, तीन चार लौंग डाल के इसको भी अच्छी तरीके से भून लें। अभी भुन जाए तो इसमें हम ये अदरक लहसुन और काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है इसको डाल दें। और इसको भी अच्छी तरीके से भून लें। और इस पेस्ट को इतना भूने ताकि जब तक इसमें तेल न छोड़ दें और गैस कम कर लें थोड़ा। कम आंच में इसको भूने ताकि ये जले ना। अभी पेस्ट हमारा भून चुका है अदरक लहसुन और काजू का। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े प्याज बारीक काट लें इस तरीके से, दो मीडियम साइज के प्याज ले लें आप, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लें ब्राउन होने तक। इसको तब तक भूने जब तक आपका प्याज ब्राउन ना हो जाए। अभी प्याज हमारा भून चुका है अच्छी तरीके से। इसमें अब हम ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे, दो बड़े टमाटर ले लें इस तरीके से, इनका प्यूरी बना लें। अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लें इसमें। इस तरीके से इसको भून लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा, आधा चम्मच डाल दें ऐसे, ज़्यादा ना डालें, और इसको फिर भून लें। और इसको अच्छी तरीके से भून लें। इसको तब तक भूने जब तक कि मसाला तेल छोड़ दे। अभी मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, थोड़ा हिला लें इसको। अब हम गैस को बंद कर देंगे, 10 मिनट को ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ये कटोरा दही डालेंगे। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी हमारा पेस्ट ठंडा हो चुका है, इसमें अब हम एक कटोरा दही डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। अभी पेस्ट बिल्कुल ठंडा है हमारा, इसे हम मिक्सी कर लेंगे। अब मिक्सी में डाल लें, उसको मिक्सी कर लें। इस तरीके से आप इसको सारा मिक्सी में निकाल लें, मिक्सी में डाल लें और इसको मिक्सी कर लें। मिक्सी को बंद कर दें। अभी हमारा पेस्ट इस तरीके से पेस्ट बना लें इसका, इस तरीके से इसको बारीक पीस लें। अब कढ़ाई रख लें और इसमें गैस ऑन कर दें, कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी तेल डाला हुआ है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा छोटा चम्मच। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसको भुनने दें। गैस को आप कम कर लें। जब ये जीरा भुन जाए हमारा तो ये पेस्ट जो हमने बनाया है इसको हम इसमें डाल देंगे।
तरीके से। और इसको 5 मिनट भुनेंगे, इसको तब तक भुने जब तक इसमें तेल ना निकल जाए। अभी हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने इसमें पहले भी डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा आधा चम्मच और डालेंगे। पहले भी हमने आधा चम्मच डाला हुआ था, और देख लें स्वादानुसार डाल लें नमक। और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इसमें, ताकि मसाला हमारी इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको 5 मिनट और पकने दें। अभी हमारा मसाला इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसको मिक्स कर लें इस तरीके से। अभी ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे इस तरीके से। आलू को इसमें डाल दें। इनको मिक्स करना अच्छी से, ग्रेवी में इनको अच्छी से मिला लें। अगर आपको लगे ग्रेवी गाढ़ी है तो इसमें आप थोड़ा आधा कप उबाल के पानी डाल सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल सही इसकी ग्रेवी बनी हुई है, इतनी ही गाढ़ी बनाएं। अब हम इसको 5 मिनट ढककर रख देंगे, ताकि आलू में अच्छी तरीके से ये मसाला मिक्स हो जाए और गैस को कम रखेंगे। 5 मिनट बाद इसको खोल के देख लें इस तरीके से, इसको हिला लें थोड़ा। अभी हमारे दम आलू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे, गैस को बंद कर लें पहले। एक बाउल ले लें, उसमें निकाल लें इसको सबको। तरीके से बाउल में निकाल लें। अब हम इसमें ये बारीक जो कटा हुआ धनिया है इसको डालेंगे इस तरीके से। और क्रीम ले लें 1 चम्मच, और इसको क्रीम से ऐसे गार्निश करेंगे। अब हमारे ये गर्मा गर्म दम आलू बनकर तैयार हैं। आप इनको रोटी के साथ, चावल के साथ या नान किसी के साथ भी ले सकते हैं, और गर्मा गर्म दम आलू बनाएं और सबको खिलाएं।
और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।